नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल धोटे है, ऑल इंडिया रैंक 209। मैं आज आप लोगों के सामने अपनी स्ट्रेटेजी और जो मुझे थोड़ी बहुत कैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पॉलिटिकल साइंस कैसे लिया, कितने नंबर आए, किस तरह मुझे जीएस में बेनिफिट हुआ, ये सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं राहुल नामदेव धोटे, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, 2010 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सौसर तहसील से रहने वाला हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा ऑप्शनल कुछ और था, इस वर्ष मैंने पॉलिटिकल साइंस लेने का क्यों सोचा। पुराना जो ऑप्शनल था उसे मैं जो पहले अटेम्प्ट दिए है उसमें एनर्जी जो मुझे लगता है जो मैं देना चाहता था वो नहीं दे पा रहा था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने का सोचा। बट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल क्यों, प्रश्न ये होता है। सर्वप्रथम मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस का जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा जीएस पेपर 2 जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा एसे में हर साल पॉलिटिकल साइंस का एक एसे आ रहा है, और तीसरा जीएस पेपर 4 में पॉलिटिकल साइंस से मुझे मदद मिलेगी। ये सोच के मैं यहाँ सरस्वती आईएएस इंस्टीट्यूट में एक सीनियर आईएएस हमारे सीनियर थे उनके रेफरेंस में मैं यहाँ आया, और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं पॉलिटिकल साइंस में बेटर कर सकता हूँ। मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि ये काफ़ी वाइड है और इसका बेनिफिट नहीं है, मार्क्स नहीं आते हैं। इस साल टॉप 20 में 4 पॉलिटिकल साइंस है और टॉप 100 में 15 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है। इसके साथ साथ जो हिडन बेनिफिट पॉलिटिकल साइंस का है वो इससे अधिक है। यदि आप औसत भी पॉलिटिकल साइंस में परफॉर्म करते हो उसके बावजूद आपका जीएस में, एसए में, और मैं इससे एक कदम बढ़कर कहूँगा इंटरव्यू में आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। मैंने मात्र 3 महीने, अगर एक्सटेंडेड कहूँ तो 4 महीने पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन की सर के यहाँ टेस्ट सीरीज की, सरस्वती आईएएस राजेश मिश्रा सर के नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि सर के थ्रू मुझे ये पता था कि क्या नहीं करना है जिससे कि कम से कम औसत से अधिक नंबर मुझे मिले, और मुझे 272 मार्क्स मिले हैं 4 महीने की मेहनत के, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफ़ी अधिक था। इसके अधिक अगर दूसरा पहलू कहो तो मुझे जीएस में 437 नंबर है, राउंड फिगर में बोलो तो 440, जिसमें मुझे जीएस 2 में, जीएस 4 में और ऐसे में मेरे 155 है। तो कुल मिलाकर मुझे डिविडेंड जो मिला है टोटल, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा करते रहना चाहिए एक विद्यार्थी को, तो मुझे काफ़ी अधिक फायदा पॉलिटिकल साइंस का हुआ। एक एनर्जी आती है आपके आंसर राइटिंग में, डायनामिक्स आता है, चीज़ों को समझने में मदद मिलती है, और मुझे लगता है इस एग्जामिनेशन की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस से हो सकती है। तो यहाँ आना, पॉलिटिकल साइंस चूंकि इतने अटेम्प्ट होने के बाद रिस्क लेना पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन मुझे लगता है फ्रूटफुल है। तो मेरा यही संदेश है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मिथ है उस मिथ में मत जाइए, ये अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। सही स्ट्रेटेजी रखी है, जीएस पे भी फोकस कीजिए, एक बैलेंस स्ट्रेटेजी हमेशा काम आती है और पॉलिटिकल साइंस इसमें काफ़ी मदद करेगा। कुल मिलाकर यही पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मेरे विचार थे। जो मार्केट में मिथ है पॉलिटिकल साइंस को लेके उसको तोड़ने के लिए मैं आप लोगों को संदेश दे रहा हूँ, और मुझे लगता है मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।